एक और जहां इस समय बहादुरपुर में मौसमी बीमारियों का बड़ा प्रकोप है, तो वहीं कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए ग्रामीण खुद को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाने के लिए जल्दबाजी दिखा रहे हैं और घंटों तक कतार में लगकर लगवा रहे हैं वैक्सीन। आज गुरुवार सुबह से ही बहादुरपुर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां की एक और मौसमी बीमारियों के चलते लोगों को सर्दी खांसी जुकाम व वायरल बुखार आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए खुद को वैक्सीनेट होने की जल्दबाजी है, ताकि वो आने वाले समय में कोविड संक्रमण का शिकार न हो सके। बता दें कि बरसात के इस मौसम में आबो हवा के साथ लोगों में सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण देखे जा रहे हैं, जिसमें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में प्रतिदिन मौसमी बीमारियों का इलाज कराने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मौसमी बीमारियों के चपेट में आए लोग इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर भी लोगों को पानी उबालकर पीने के साथ खानपान में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों में आई जागरूकता के चलते सभी को सबसे पहले स्वयं को वैक्सीनेट कर बचाने की होड़ सी लग गई है और अब सभी को यह जानकारी भी हो चुकी है कि यदि सुरक्षित रहना है और कोविड-19 के प्रकोप से बचना है, वैक्सीन के दोनों डोज लेना आवश्यक होगा। ये आजकल बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। अच्छा, चूंकि मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप है, तो इस हिसाब से लोग वैक्सीन को लगवाने की जल्दबाजी कर रहे हैं या अथवा लोगों में जागरूकता अधिक आ गई। आजकल क्या है कि देखने में आ रहा है कि मौसमी बीमारी वायरल फीवर चल रहा है, सर्दी खांसी अधिक हो रहा है, इसलिए और जागरूकता आई है ग्रामीण लोगों में, इसलिए वैक्सीन सेंटर पर लोग ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे यहाँ प्रतिदिन कम से कम 150 से 200 पर डे लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके लिए काफ़ी जागरूकता आई है। जो कि पहले जब स्टार्टिंग में हमने ये वैक्सीनेशन चालू किया था, उस टाइम पर लोगों को मनाना पड़ रहा था, लोग मना कर रहे थे लगाने के लिए, लेकिन अब जागरूक हो गए हैं और स्वयं सुबह 7 बजे से ही हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भीड़भाड़ चालू हो जाती है, जिनको हम प्रतिदिन किसी को वापस नहीं कर रहे, सभी को वैक्सीन लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में जैसे बाबरौद है, दमदमा है, गाढ़वमुरिया है, जसैया है, हारूखेड़ी है, इन सेंटरों पर भी हमारे वैक्सीनेटर वैक्सीन लगा रहे हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।